हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आज आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो जी हाँ, एक बहुत ही रिसेंट अपडेट है 17 मई, कल का दिन। कल जो है एक अपडेट कर दिया गया है रिजल्ट्स को। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मुझसे कह रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया। मैं चाहूंगा कि आप एक बार वापस से जाकर के अपना रिजल्ट चेक करें, क्योंकि कल के डेट पे रिजल्ट को अपडेट किया गया है। हो सकता है जो आपके बाकी के पेपर्स थे उसको भी वहां पे अपडेट कर दिया गया हो। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको करना क्या है, आपको गूगल पे टाइप करना है इग्नू टर्म एंड रिजल्ट, ठीक है? इग्नू टर्म एंड रिजल्ट। आप जैसे इसको टाइप करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला जो आपको लिंक निकल करके आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ दिसंबर 2021 एग्जाम रिजल्ट न्यू लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से एक वेब पेज खुलेगा। इस वेब पेज पे आपको अपना रोल नंबर, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है, उसको डालना है। और डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका रिजल्ट जो है निकल करके आपको स्क्रीन पे शो करने लगेगा। सो दिस इज द वे यू कैन चेक योर रिजल्ट। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपना ग्रेड कार्ड चेक करना है, अगर आपको असाइनमेंट और आपके मार्क्स जो टर्म एंड में मिले हैं, अगर उन दोनों को मिला करके आपको अगर अपना फाइनल रिजल्ट चेक करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूं। बट एक सेपरेट वीडियो में मैं बनाऊंगा जहां पे मैं उसके बारे में दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि आप टाइप करेंगे इग्नू ग्रेड कार्ड, इग्नू ग्रेड कार्ड, ठीक है? आप इग्नू ग्रेड कार्ड टाइप करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहला लिंक निकल करके आ जाएगा इग्नू ग्रेड कार्ड। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ग्रेड कार्ड का स्टेटस चेक करना है कि आपको कौन सा, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपका कोर्स कौन सा है। सपोज आपका अदर प्रोग्राम में आ जाएगा तो ये कर लेना है। एनरोलमेंट नंबर यहाँ दे दो, प्रोग्राम कोड में यहाँ पे जितने भी सारे प्रोग्राम्स हैं आप चेक कर लो कि आपका प्रोग्राम कौन सा है। सपोज ये वाला है, एनरोलमेंट नंबर आपने डाला और सर्च करना है। जैसे ही आप करेंगे, आपको आपका रिजल्ट जो है वो निकल करके आपके सामने आ जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है ना? टर्म एंड एग्जामिनेशन और ग्रेड कार्ड में डिफरेंस इतना ही है कि टर्म एंड जो है आपके रिटर्न थ्योरी जो आपने एग्जाम दिया था सिर्फ उसके बारे को दिखाता है, और ग्रेड में आपको थ्योरी और असाइनमेंट्स दोनों के मार्क्स आपको जो है दिख जाते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता है अगले क्लास में, अपना ख्याल रखो। बाय बाय, थैंक यू।